मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड क्षेत्र में शुक्रवार को दो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें एक बंदरा पीएससी के फार्मासिस्ट बताए जा रहे हैं, जबकि दूसरा पीड़ित बंदरा प्रखंड के पियर गांव के नागरिक बताए गए हैं। इसमें से एक पीड़ित बंदरा पीएससी स्टाफ कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके थे, इनका भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार दोनों का चेकअप रिपोर्ट आने के बाद दोनों को होम क्वारंटाइन करा दिए गए हैं। वहीं इस रिपोर्ट के आने के बाद संपर्क में आए लोगों की बेचैनी काफी बढ़ गई है। पीएचसी सूत्रों का बताना है कि रिपोर्ट आने से पूर्व इनके संपर्क में कई साथी कर्मी, जनप्रतिनिधियों एवं कथित पत्रकारों के संपर्क में आने की चर्चा है, जिसके कारण संदर्भित लोगों में भी आशंकाएं हैं। हालांकि विभागीय चिकित्सकों ने लोगों को सलाह दिया है कि कोरोना संक्रमण को लेकर फैलाए जा रहे अफवाहों से बचें। कुछ लोगों के द्वारा बंदरा प्रखंड के इलाके में कोरोना वायरस के फैलने से संबंधित कई बार अनावश्यक अफवाहें भी फैलाई जा रही है, जिससे डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। बंदरा पीएससी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नौशाद अहमद ने भी शुक्रवार की शाम बंदरा में दो कोरोना पॉजिटिव मिलने की पुष्टि की है, जिसमें एक पीएससी स्टाफ भी है। उन्होंने कहा है कि प्रखंड के विभिन्न हिस्सों में 10 टीम कार्य कर रही है। बंदरा प्रखंड में 10 केंद्रों को बनाया गया है, जहां वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार यहां वैक्सीनेशन के कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। बंदरा में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नौशाद अहमद यह भी बताया कि बंदरा प्रखंड के 72 लोगों के कोविड-19 टेस्ट करवाए गए हैं, जिसमें 2 के रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, बाकी सभी के रिजल्ट निगेटिव आए हैं। आज 2 कोरोना मरीज मिले हैं। सभी केंद्रों पर 110 लोगों का कोविड वैक्सीनेशन करवाया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को अफवाह से सतर्क रहने की जरूरत है, घर से बेवजह बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले बंदरा प्रखंड के सिमरा, मतलुपुर तथा रतवारा में 3 लोगों सहित 4 लोगों में कोरोना वायरस जैसे लक्षण मिले थे, जिसे तत्काल ही होम क्वारंटाइन करा दिया गया। चिकित्सा टीम इन पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि प्रवासी लोगों से खास तौर से सतर्क रहने की जरूरत है। विभाग के सीनियर चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अफवाह से सावधान रहें, सत्यता को जाने समझें और सतर्कता से काम लें।